Hello everyone, welcome back to new video. My name is Davinder and I am a medical student in Russia. तो आज है 23 जून और ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है और गलती मेरे से ये हो गई कि मैं सुबह से ही अपना माइक ऑन करना भूल चुका था और मैंने देखा नहीं कि माइक ऑन नहीं है और मैं पूरा वीडियो बनाता गया, आधी वीडियो तक ऐसा हुआ कि मैं माइक ऑन ही नहीं किया और मैं सब व्लॉग करता गया। तो प्रॉब्लम हो चुकी थी, सॉल्यूशन तो ढूंढना था, तो इसीलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ट्रैवल व्लॉग, ये रशिया है। तो मुझे जाना था ओरनबर्ग से नोवोस्त्रोइक। नोवोस्त्रोइक एक ओरनबर्ग रीजन में सिटी है, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, टाउन है एक छोटा सा। और वहाँ पे हमको जाना था हमारे थिएटर ग्रुप के साथ, जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस होने वाली थी। और सुबह 6 बजे हमें बस लेने आने वाली थी, सुबह 6 बजे हम पहुँच चुके थे बस के साथ। और सभी लोग, जैसे आप देख सकते हो, नींद में बैठे हैं बिल्कुल, कोई सो रहा है, कोई ऐसे ही बैठा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, सब इन्जॉय कर रहे हैं। और वो देखो पीछे, वो सो रहा है वहाँ पर। और मेरे को जैसे कि व्लॉग बनाना था और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे रशिया के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, विलेजेस के बारे में, तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं विलेज कोई देखूं रशिया का और वहाँ पे शूट करूं, उसको फुटेज लूं एक। लेकिन सबसे मेन जो बात थी वो थी यहाँ का ग्रीनरी, जो रशिया का वेदर था, रशिया जो जहाँ पे लोग नहीं है वो रशिया देखने के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये सुबह का टाइम है और इस टाइम काफ़ी अच्छी धूप थी और ये रशियन विलेज है, अगर आप देख सकें तो ये रशियन विलेज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खुला है, लोग कम है वहाँ पर आई थिंक, और घर हैं जो थोड़े गैप गैप में बने हुए हैं। और देखा जाए तो एक मंजिल के ही सारे घर हैं और रूफ़ आप उनकी देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। मैं अंदर गांव के अंदर तक नहीं पहुंच पाया, मैं सिर्फ बस में था, तो मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम की वीडियो बनाई है। और काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है एक्चुअली, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं पूरे टाइम सिर्फ रिकॉर्ड ही करता गया। और फिर जैसे कि हमारा 4 घंटे का सफ़र था तो थकान तो होनी थी, तो कहीं ना कहीं रुकना तो बनता था। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया रुकने का और हम रुके एक रशियन ढाबा पे। हाँ जी, हाँ जी, रशियन ढाबा। रशियन ढाबा एक तरह से कैफ़े अगर कहें तो, जैसे अपने इंडिया में भी हर जगह होता है, आपको बड़े बड़े हाईवेज होते हैं वहाँ पे आपको ढाबा रेस्टोरेंट हमेशा मिलेगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक रशियन मिला, रशियन कैफ़े था जो, और वहाँ पे हम रुके, किसी ने खाना खाया थोड़ा बहुत, किसी ने चाय पी और मैं देखने लग गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब वो एरिया है जहाँ पे कुछ ट्रक खड़े हैं, हमारी बस खड़ी है और उधर सामने कुछ गाय थी। तो मैंने रशिया में पहली बार गाय मतलब अभी देखी थी यहाँ पे, और मैं कोशिश कर रहा था आपको कैमरे से दिखा पाऊँ पर वो दूर था, मैं देख पा रहा था, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह हुई थी। और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे हम लोग बस में हैं, कैसा वहाँ का वेदर है और कैसे ज़मीन ऊपर नीचे गई हुई है, जैसे वेव होते हैं वेव के फॉर्म में वहाँ पे ज़मीन है। आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी, पहाड़ियाँ हम उनको बोल नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली पहाड़ नहीं है वो, पर ज़मीन एक वेव की तरह होती है, आप समझ सकते हैं आई थिंक उस चीज़ को। जैसे अपने नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में ऐसी बहुत सारे एरिया आपको मिलेंगे। और बेसिकली ग्रीन था, हर जगह खेती बाड़ी नहीं की हुई थी, कुछ कुछ पीस थे जहाँ पे खेती बाड़ी थी ज़मीन में, उसके बाद खाली जगहें बहुत आ रही थी जहाँ पे या तो वो उपजाऊ नहीं थी या फिर सोर्सेज नहीं थे वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी करने के। जैसे कि आपको पता है रशिया काफ़ी बड़ी कंट्री है और उसके बाद वहाँ पे लोग बहुत कम हैं, और यही बात है, मे बी वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन खाली भी पड़ी है। मुझे लग रहा था वो ज़मीन उपजाऊ है, पर हो सकता है वो उपजाऊ ना हो, पानी की कमी हो और ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बेसिकली ये हमारा एक्सपीरियंस था मेरे ट्रैवल व्लॉग का, और बस रिकॉर्ड में कर नहीं पाया एग्जैक्ट चीज़ें, इसीलिए वॉइस ओवर अभी कर रहा हूँ। और वहाँ पे मेरे को कैफ़े के सामने ये पेड़ दिखाई दिया, एक पेड़, और सबसे पहले मैं देख रहा था ये क्या है, पहली बार में देखने से पता नहीं लग पा रहा था ये क्या चीज़ है। और मैंने देखा, पास जाके देखा, और अभी भी समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। और अब पेड़ देखिए, आप गैस कीजिए तब तक ये क्या हो सकता है। पेड़ देखने में लग रहा है जैसे कोई अमरूद का पेड़ अपने जैसे होता है या फिर नींबू का पेड़ होता है, उस तरह का साइज़ है, उस तरह का पेड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पेड़ है। और फिर मैंने पूछा आसपास के लोगों से और मेरे को पता लगा कि ये पेड़ एक्चुअली एप्पल का पेड़ था, ये एप्पल थे छोटे छोटे और एप्पल का पेड़ था। तो जी हाँ, ये थोड़े इंटरेस्टिंग एप्पल थे, ऐसा पेड़ मैंने पहली बार देखा था। एप्पल का पेड़ मैं पहले देख चुका हूँ लेकिन इस तरह का पेड़ और ये थोड़े अलग, मे बी हाइब्रिड हो सकता है, लेकिन एप्पल थे वो। ओह
घंटे का और सफ़र, आधा सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है, आधा बाकी है, एटलीस्ट दो घंटे और लगेंगे। किलोमीटर में कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन टाइम दो घंटे से लगेंगे। और व्यू देखो यार, मैं तो इतनी देर से बस व्यू ही देख रहा हूँ, व्यू ही देख रहा हूँ, पता ही खतरनाक हो रहा है। दस बज के 10 मिनट पर पहुँच चुके हैं हम, सामान वामान निकाल लिया है बस में से और मैं अभी खड़ा हूँ, बाकी सारे लोग अंदर चले गए इस बिल्डिंग में। साढ़े चार हो चुके हैं, खाना खाने जा रहे हैं हम। यहाँ पे एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस चल रही है पूरा दिन से और कोई फेस्टिवल है और इस फेस्टिविटी के हम सेंटर में आए हुए हैं। पार्क है, ये मेला टाइप लगा हुआ है बेसिकली अगर हिंदी में बताऊँ तो, और काफ़ी लोग आए हुए में जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, ये एक्चुअली ये थिएटर है यहाँ का, इस सिटी का नवोस्तो एक सिटी का नाम है। बुफेट के बाहर खड़े हैं और अभी खुल नहीं रहा है, ये बंद हो रहा है, कुछ टाइमिंग का कोई चक्कर हो रहा है, वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं वेट करना पड़ेगा, देखते हैं बाकी। खत्म, अभी जा रहे हैं अपने वापस कॉन्सर्ट में, हमारा आखिरी कॉन्सर्ट वैसे एक दो होने थे, एक हो चुका दोबारा से, मतलब रिपीट दो टाइम होना था, एक ही चीज़ हो चुकी। खाना खा लिया, खाना ठीक था, पर दिक्कत क्या थी, एक बार में ही चार प्लेटें दी हुई थी, ऐसा कर सकते थे दो या तीन बार में ही इतना खाना दे सकते थे तो काफ़ी हो जाता। चार चीज़ें दी हुई थी, मतलब चार प्लेट भर भर के अलग अलग चीज़ों की दी हुई थी, मैं एक प्लेट तो खा भी नहीं पाया, तीन खा ली क्योंकि भूख अच्छी लगी हुई थी। और रशिया में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वेजिटेरियन मिलता नहीं, तो अमित को तो मिला ही नहीं बेचारे को, अमित की प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लाया था घर से तो उसने खाया होगा, अभी मिलता हूँ उससे जाके। Хорошо, песня из мультфильмов "Нота номер 2", пожалуйста, слушаем. Так. Песня дружбы, песня из мультфильмов "Нота номер 2", пожалуйста, пойте. Так, ребят, на счет 3. तो अभी हो गया हमारा ये ख़त्म, बजे हुए हैं 8 रात के, और ये जो सिटी थी इसका नाम था नोवेस्त्रोइक, और जो ओरनबर्ग ओब्लास्ट है ना, ओरनबर्ग रीजन है, उसके अंदर ही एक सिटी थी, है टाउन था बेसिकली। कमेंट में जो लोगों ने लिखा था, किसी ने नाम नहीं मुझे ध्यान, थैंक यू टाउन बताने के लिए, मुझे ध्यान नहीं था एक्चुअली। और यहाँ पे क्या था, सिटी फेस्टिवल गोरत्स्की प्राजनिक, नाम था उसका आर्ट अखनो, मतलब कि आर्ट विंडो ओन एयर, एक मतलब ओपन फेस्टिवल था समर में, पूरी सिटी से आसपास की सिटी से लोग आए हुए थे, ड्रामा के अलग अलग अपने अपने टैलेंट दिखाने वाले लोग भी थे, हम लोग भी आए हुए थे इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार, पूरा दिन बिजी था बेसिकली। अगर सिटी की बात करें तो ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, 85-86 हज़ार की पॉपुलेशन है यहाँ पर, और सिटी अच्छी है, सुंदर है, साफ़ सुथरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी है। 4 घंटे का रास्ता था हमारा, 300-350 किलोमीटर चल के आए थे, बस में आए थे, बस में आधी बस तो खाली थी और कंफर्टेबल बस थी, एसी बस थी, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई और हमारा खर्चा भी नहीं हुआ क्योंकि हम एज अ वॉलंटियर आए थे। वॉलंटियर का काम क्या होता है, आप अपनी पूरी सर्विस दो, आपका खर्चा पूरा निकल जाएगा लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो कई बार क्या होता है ना, वो खर्चा बहुत कम होता है लेकिन आपकी सर्विस ज़्यादा ले ली जाती है आपसे, तो ये होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है, वॉलंटियरिंग करनी चाहिए
बहुत कुछ सीखने को मिलता है और थक गया यार बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसी हालत हो रही है, गला भी ख़राब सा हो रहा है और घर जा रहे हैं अभी, उसके बाद मिलते हैं। कैसा था शक्ल देख के मालूम पड़ रहा है कैसा था? अच्छा था पर थका है, बहुत दुख था, थकान होगी बहुत ही और थकान होगी काफ़ी। और ये तो बेचारा आज सच है वो खाना नहीं मिला तेरे को वेजिटेरियन उसका? नहीं मैं तो लेके इस तरह तो मैं खाना लेके चलता हूँ हर जगह, सुबह उठ के चावल फ्राई करके लेके आया था मैं, तो दिक्कत नहीं हुआ मुझे। ग्यारह बज के 15 मिनट हो गई और जल्दी पहुंच गए हम, थोड़े से 10 मिनट हो गए पहुंचे हुए हम लोग, और मुझे लगा था 12 बजे तक पहुंचेंगे लेकिन 11 बजे ही पहुंच गए। थकान हो रही है वो तो आपको दिख ही रही होगी, और अभी बस घर ही जाना है। जहाँ मैं बैठा हूँ अभी ये मेरे घर के पास वाला बस स्टॉप है, यहाँ से बस गुजर के गई है तो हम यहीं उतर गए, यहीं सामान ले लिया अपना सारा और घर जाना है। वेट हम बस कर रहे हैं, ये लोग खड़े हैं हमारे साथ जो इन्होंने टैक्सी कॉल की है, ये भी आसपास जाएंगे तो बस इनको विदा कर फिर घर चले जाएंगे। वेलकम बैक टू वीडियो। अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, कल आके मैं आते ही सो गया था, बहुत थकान हो चुकी थी और अभी बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ और अपलोड करूँगा थोड़ी देर में, वीडियो आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना अपने सारे व्यूज़, अपने जितने भी सुझाव हैं, क्वेश्चन हैं सब कमेंट ज़रूर करना, उसके बाद सब्सक्राइब करना चैनल को और ट्रैवल वीडियोज़ देखने के लिए। आगे प्लान्स हैं मेरे ट्रैवल करने के रशिया में बहुत ज़्यादा, सारी वीडियोज़ बनेंगी, ब्लॉग्स बनेंगे और इम्प्रूव होंगे। पहला ट्रैवल ब्लॉग था, बहुत गलतियाँ होगी, वॉइस ओवर करना पड़ा, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि मैं अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, अपने गैजेट इम्प्रूव करूँ। और मुझे पता है ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम होती है और ये पहले भी पता था, जो अभी मैं माइक यूज़ करता हूँ बोया का माइक है, बहुत ज़्यादा अच्छा माइक नहीं है, पर कैमरे की वॉइस से अच्छी वॉइस ऑडियो आ जाती है इसमें। जितना जल्दी हो सके मैं अपडेट करूँगा माइक को, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है नया माइक ख़रीदना, तो अभी तो इसी में ही मेरे को काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा हो सके, जितनी अच्छी ऑडियो हो सके मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। बस यही थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।